नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री आपको बताऊंगा आज के दिन का पूरा हाल, यानी कि आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आज दिनांक 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज की ग्रह स्थिति हमको क्या बताती है। मित्रों, आज गुरु मेष राशि में है, चंद्र सिंह राशि में है, केतु कन्या राशि में है, शुक्र व बुध वृश्चिक राशि में है, मंगल तथा सूर्य धनु राशि में है, शनि कुंभ राशि में है और राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज नक्षत्र मघा है, तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, करण बालव है, योग प्रीति है, सूर्य गोचर कर रहे हैं धनु राशि में और चंद्र गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु काल रहेगा शाम के 4:31 से 5:52 तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से हमको बचना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:53 से 1:17 तक। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी ऐसा शुभ कार्य किया जा सकता है जिससे हमको लंबे समय तक लाभ लेना हो। दिशाशूल पश्चिम की तरफ रहेगा, इसलिए हमको पश्चिम की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर मजबूरी है, पश्चिम की तरफ यात्रा करनी ही पड़ रही है, तो पान खाकर लंबी दूरी की यात्रा प्रारंभ की जा सकती है। मित्रों, राशिफल प्रारंभ करते हैं। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। आपको परेशानियों का थोड़ा सा ज्यादा सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसके ऊपर इम्पेक्ट आए। आपको समझ में नहीं आए कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी। आपको चाहिए कि आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें। वर्क प्लेस पर कंसंट्रेट होकर काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए एक बार में बहुत सारा काम ना पकड़ें, एक एक करके अपने कार्यों को पूरा करें। संतान के साथ अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो मिल बैठकर बातचीत करके उसको रिजॉल्व करें। आज इनफॉर्मल मीटिंग में या फॉर्मल मीटिंग में आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ललित कला के फील्ड में हैं तो आपको कुछ नेम एंड फेम मिल सकता है। आप नई नौकरी की तलाश में थे तो आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। पेट के रोग हो सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। शेयर मार्केट में फिलहाल कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। इसको और अनुकूल बनाने के लिए आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कामकाज में रुकावटें आ रही हैं और इन रुकावटों को आपको एक एक करके दूर कर लेना चाहिए। माता का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट कुछ करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल रुक जाएं, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे या तो लॉस हो सकता है या आप किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं। आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या जमीन में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा देख लें, पसंद कर लें, मार्केट के हालात देख लें, उसके बाद आपको कोई डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। लेकिन पैसे का लेन देन फिलहाल आप अगर करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बना करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है, क्योंकि छोटा मोटा एक्सीडेंट होने की संभावना आज के दिन आपकी बन सकती है। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल बनाना है तो आपको प्रातःकाल माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। साहस आपके अंदर आज बहुत रहेगा, आप पराक्रम के साथ सारे काम करेंगे। आपके दोस्त, आपके सगे संबंधी, आपके भाई बहन आपके बहुत काम आएंगे, बहुत मदद करेंगे आपकी। विशेष रूप से आपके भाई बहन आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहेंगे। लाइफ में आपके पीस एंड हार्मनी बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य में आपको धैर्य बना करके रखना चाहिए, क्योंकि सफलता आपको आज मिलेगी जरूर, भले ही देर से मिले। सेहत आपकी सुधरेगी, संबंधों में भी सुधार आएगा। लेकिन अगर आपको कोई सांस से संबंधित समस्या है, पहले से है, तो ये आपको आज थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर सकती है, इसको लेकर थोड़ा सावधान रहें। और आज का दिन आपके लिए 70% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए आज हरा रहेगा। कर्क राशि, कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां आज पूरा दिन आपका पीछा करती रहेंगी। पैसे के मामले में आपको आज बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को उधार नहीं देना है जिसकी पृष्ठभूमि संदिग्ध हो, पैसा लौटाने की संभावनाओं में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो। आपका परिवार और आपके जो दोस्त हैं वो सही सलाह देंगे, आप उनकी सलाह मानेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। वर्क प्लेस पर हो सकता है आज उतना अच्छा कोऑपरेशन किसी का ना मिले जितना जनरली सबका मिलता है, तो आज किसी के साथ विवाद में ना उलझें। ENT के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है।
अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा संयम रखने की आपको जरूरत है। किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग आपको करने से बचना चाहिए। प्रेमीजनों को भी सलाह दी जाती है कि आपस में बातचीत करते समय एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। सोशल लाइफ थोड़ी डल रह सकती है, ये एक दो दिन का फेज है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है, इसको और अनुकूल बनाना है तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए रहेगा क्रीम। सिंह राशि, आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल आज पूरा दिन बना रहेगा, आपके मेहमान आते रहेंगे, आप भी दूसरों के यहाँ जाएंगे और आपका दिन आज आनंद पूर्वक बीतेगा। आपका बहुत सारा समय अपनी किसी हॉबी पर खर्च हो सकता है, जो आप बहुत दिन से कोई काम करना चाह रहे थे लेकिन समय नहीं मिल रहा था, या आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं या कहीं पे डिनर करने के लिए जा सकते हैं। फंड का इनफ्लो जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है और उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा जो है शाम तक आने लगेगा। आत्मबल आपका बढ़ेगा, स्वभाव और अच्छा होगा, कोई छोटा मोटा सीजनल रोग था तो उससे आपको आराम प्राप्त हो जाएगा, आप बहुत सारे सुख प्राप्त करेंगे। आप प्रत्येक कार्य में बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के सकारात्मक संकेत आपको मिलने अभी शुरू हो जाएंगे, मानसिक शांति का भी आपको एहसास होगा और समाज में आप देखेंगे कि समाज में आपको मान सम्मान भी बढ़ रहा है। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है, शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए रहेगा नारंगी। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, आज आप आसानी से बिना बात के कोई चिंता या तनाव अपने ऊपर ओढ़ सकते हैं। एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे कि आपको एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करें। आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, उन पर नजर रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनावपूर्ण स्थितियों से जितना हो सके दूरी बना करके रखने की कोशिश करें। आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम कुछ बढ़ जाए, साथ में सिरदर्द भी हो तो आप डॉक्टर को जरूर दिखा लें। अगर आपको कई दिन से ठीक से नींद आने की समस्या हो रही है तो ये समस्या आपका व्यवहार जो खराब कर सकती है, आपको जो आपके जान पहचान वाले हैं वो उनसे दूर कर सकती है, आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा जीवन साथी के साथ बिना वजह का कुछ तनाव, बातचीत, गलत बातचीत या कुछ वाद विवाद हो सकता है, आपको उससे सावधान रहना है, इस तरह की परिस्थितियों से दूर रहने की कोशिश करनी है। आज का दिन आपके लिए 60% अनुकूल है, इसको और अनुकूल बनाने के लिए आपको प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। तुला राशि, आमदनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आमदनी बढ़ेगी तो साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी वेल्थ भी बढ़ रही है, बहुत सारे सोर्सेज से आपको लाभ हो रहा है, आप जिस काम में हाथ डाल रहे हैं आपको फायदा हो रहा है। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके कोवर्कर्स हैं, वो आपकी प्रोग्रेस में आपको सहयोग कर रहे हैं, बिजनेस में, जॉब में प्रोग्रेस के बहुत सारे चांसेस आपको मिलेंगे। परिवार का, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, उनके साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा, विचारों में स्थिरता आएगी, आप अपनी परिस्थितियों को पहले से बेहतर समझेंगे और आप देखेंगे कि आपके जो डिसीजंस हैं उनको अभी पहले से बेटर हो रहे हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। आज का दिन आपके लिए 90% अनुकूल है, शुभ अंक आपके लिए रहेगा 6 और शुभ रंग आपके लिए रहेगा मैजेंटा। वृश्चिक राशि, कामकाज में, बिजनेस में, जॉब में प्रोग्रेस के आज आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, राज्य सरकार से और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे आपको मान सम्मान मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आपका जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो आपके काम से खुश होंगे, आपकी प्रशंसा होगी। आपका किसी मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, आपको नेम एंड फेम मिलेगा और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो इम्प्रूव होंगी। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे थे बहुत दिन से, प्रयासरत थे, तो आज विशेष प्रयास करें, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए 85% अनुकूल है, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। धनुराशि, कामकाज, बिजनेस, जॉब थोड़ा सा स्लो हो सकता है, आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन उसके परिणाम या तो आपको देर से मिलेंगे या कम मिलेंगे, भाग्य आपको बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा, परिश्रम करते रहें, भले ही परिश्रम के उसी रेशो में सकारात्मक संकेत आपको प्राप्त ना हो, भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो लॉस होने की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। धर्म कर्म में, तीर्थ यात्रा में, ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाएं, गुरु से मुलाकात करें, उनसे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करें। पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है, अगर जरूरत पड़े पिता को, डॉक्टर को दिखाएं। पिता के साथ या किसी उच्च अधिकारी के साथ आपके तनावपूर्ण स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको टालने की कोशिश करें। दान पुण्य आज आप जितना करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा, बॉडी में वीकनेस फील हो सकती है, अच्छा खाएं पिएं, शरीर को कष्ट देने वाला कोई भी कार्य आज आप ना करें। आज का दिन आपके लिए 65% अनुकूल है, इसको और अनुकूल अगर आपको बनाना है तो प्रातःकाल मंदिर में जाएं और पीले फलों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा।
मकर राशि, स्वास्थ्य की आज आपको बहुत चिंता होने वाली है, क्योंकि आपको अगर कोई लंबा रोग है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या इसी तरह की कोई और समस्या है तो ये आज आपको थोड़ी सी ज़्यादा परेशान कर सकती है। कोई सीजनल रोग भी आपका थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर सकता है। आप टूरिंग जॉब में हैं, कुछ दिन के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। खान पान का ध्यान रखना है और किसी भी तरीके के जो इन्फेक्शन है उससे बचने की कोशिश करनी है। आपके जो इन-लॉज हैं वो आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है तो आप उसको जरूर पूरा करें। घर पे और वर्क प्लेस पर किसी भी विवाद वाली स्थिति से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करें, अन्यथा बात का वतंगड़ बन सकता है और आप ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो। तनाव आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो सकता है, ये तनाव आपका जो स्वभाव है वो खराब कर सकता है और आपको निगेटिविटी की तरफ ले जा सकता है, बचने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए 50% अनुकूल है। इसको और अनुकूल अगर आपको बनाना है तो आज प्रातःकाल आपको 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए काला रहेगा। कुंभ राशि, कुछ नए नए लोगों के साथ आपका संपर्क होगा, जो आपके जीवन साथी हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, रिश्ते अच्छे होंगे और क्लोज होंगे आप एक दूसरे के। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। भोगविलास में, आनंद प्रमोद में आज का दिन आपका बीत सकता है। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस जरूर इंप्रूव होगा। आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश में थे या आप अपने लिए बिजनेस पार्टनर की तलाश में थे तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। लाइफ में आपकी लव एंड हार्मनी जो है वो बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध सुधर रहे ही हैं, साथ के साथ आप देखेंगे आपकी इनकम बढ़ रही है और इनकम के कुछ नए और अच्छे सोर्सेज आपको प्राप्त हो रहे हैं। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए रहेगा काला। मीन राशि, प्लैनेट का ट्रांजिट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे परिणाम देकर के जा सकता है। ननिहाल पक्ष सपोर्ट करेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कोई बिना बात का डर अगर आपके मन में आएगा तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। इससे दूर रहें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आपका कोई मुकदमा चल रहा था तो उससे रिलेटेड कुछ आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं जो आगे आने वाले दिनों में आपके बहुत काम आएंगे। आप कोई लोन लेना चाहते थे तो पेपर वर्क रेडी करें, आगे आने वाले दिनों में आपको लोन मिल जाएगा। फैमिली लाइफ आपकी पीसफुल और हारमोनियस बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि आप जो है मर्यादित व्यवहार बनाए रखें। आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब फ्रेंड काफी अच्छा रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए 75% अनुकूल है। शुभ अंक 5 है और शुभ रंग आपके लिए है बसंती। मित्रों, ये था हमारा आज का राशिफल कार्यक्रम सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठा सकें और अपना जीवन बेहतर बना सकें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय माँ जगदम्बा।